बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आप शांगला से। शांगला के इलाके बशाम के करीब खुदकुश धमाका हुआ। शांगला में बशाम के मकान पर दहशत गर्दों का हमला, हमले में 5 चीनी बाशिंदे जान से गए। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज जो हैं वो मारे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहां इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है। इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। मुल्क दुश्मनों की जानिब से सीपैक मंसूबे को सबोताज करने और फिरका वाराना लिसानी और इलाकाई फसादात कराने के आलमी मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। चाइना से हमें रोल ओवर मिल रहा है, हर चीज के ऊपर हम चाइना से मदद मांग रहे हैं। और चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। देखिए क्या हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ ये एक जानबूझ के किया गया है। और ये क्यों किया गया है? ऐसे गैजेट्स के साथ आ रहे हैं जो आपके पास भी नहीं है, तो ये हैरानी की बात है कि आप तक को पता ही नहीं चलता। कहाँ बैठे हुए आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, कि आपको पता ही नहीं चलता सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी वहां पे देखने वाले हैं। बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज जो हैं वो मारे गए हैं खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहां पे। उससे पहले हमने न्यूज देखी आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी और मंडे नाइट को कल रात को इस पे हमला हुआ जिस पे गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है, ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये जो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं। और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को, एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। TTP के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है, और अफगान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें TTP जो तहरीक किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो एज जिसे आप कह सकते हैं इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और अब आप देखें कि अगर वो एक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हम कैपेसिटी रखते हैं, अप्रोच जो है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी, आप देखें दाइश खुरासान की बात है,
बात है। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं और ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये रशिया के भी ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। और ये जो दाइश खुरासान की हम बात अक्सर करते हैं, जो दाइश खुरासान है प्राइमरली आप ये देखें कि ये दाइश खुरासान क्या है। दाइश खुरासान वो कहते हैं जी कि ये खुरासान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। सो वो उसको एक हिस्टोरिकल अहमियत देते हैं कि इस एरिए की जो अहमियत है वो है, वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनानी है और इसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। सो और वो कॉन्टीन्यूसली इस पर आप समझेंगे लगे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त दाइश के भी जेरे वो थ्रेट है, जो TTP की भी थ्रेट है और बलोच मिलिटेंट्स का भी थ्रेट है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल एयरबेस पर BLA मजीद ब्रिगेड की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है और उसकी खबरें इस वक्त पूरी दुनिया में पब्लिश की जा रही है। वो BLA यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मजीद ब्रिगेड है उसकी तरफ से पाकिस्तान की, कहा जा रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट नेवल बेस जो है तुर्बत में, वहां पर हमला किया गया और उसकी अब बहुत सारी फुटेजेस भी वायरल हो रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर मैदान जंग बन गया। अब देखें ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये हमला हो गया, ओहो हमला हो गया, पाकिस्तान की नेवल बेस पे हमला हो गया और मजीद ब्रिगेड ने एक और हमला, बात यह है कि इसमें सवाल ये है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी तीसरी बार इतना बड़ा हमला कैसे हो रहा है कि जो अटैकर्स हैं वो उन्होंने एंटर होने की नेवल बेस में जो है वो कोशिश की है और नियर द एयरपोर्ट ऑफ कीच सिटी बलूचिस्तान, और उनको जो इंटरसेप्ट किया गया है और इसके अलावा फिर ये कहा गया कि आउटसाइड द गेट ड्यू टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट, और इस वक्त वहां पर रिपोर्ट जो है वो के लड़ाई जारी है। अब चाइनीज अगर जो है वो मारे गए हैं तो सबसे पहले तो चीन नाराज, इंटरनेशनल इन्वेस्टर नाराज। जब ये सारे नाराज होंगे तो फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है ना, जब चीन नाराज है तो फिर क्या होगा। अब आपको कंपनसेशनें भी भेजनी पड़ेंगी। अब होता क्या है कि एक भी चीनी मारा जाएगा तो सवाल उठेगा, एक भी चीनी मारा जाएगा सवाल तो उठेगा ना कि किधर मारे गए, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, किसने मारे, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी। इस हवाले से यह हुकूमत का वो जो एक साइलेंस होगी, यह हुकूमत की जो एक खामोशी होगी कि भाई हम अगर करेंगे हम उन लोगों को कंपनसेशन, आप देखिए आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। सो ये एक बहुत बड़ा मैस है जो हमारे सामने है। हमने इसको ठीक करना है, किस तरह ठीक करना है, इसके लिए क्या कोई एडहॉक अप्रोच आएगी चलेगी या कि परमानेंट अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए मसले पैदा करेंगे, दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। बट राइट नाउ एक चीज तो क्लियर आपके सामने हो गई है कि अब ये जो चाइनीज पे हमला हुआ है ये क्यों हुआ है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा आप देखें, ये जो चाइनीज पे हमला हुआ है ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते।